छोटा सा बच्चा आया हमारे घर। ओए ओए रो रहा है, रो रहा है भाई। हेलो गाइस, देखिए आज मैं आपको कुल्फी बनाकर दिखाऊंगी। ये है कस्टर्ड पाउडर जो मैंने अभी घर पर ही बनाया था, इसका वीडियो मैंने डाल दिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा दूध ज़्यादा इसमें हम कस्टर्ड मिलाएंगे, बस एक गिलास दूध हम उबलने के लिए चढ़ा देंगे। और इतना सा दूध मैं ज़्यादा लेके आई थी तो इसमें हम मिलाएंगे कस्टर्ड। इस दूध को मैं डाल दूंगी मिक्सी के जार में। एक गिलास दूध में हम डालेंगे आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया है। पाइन एप्पल एसेंस डाल लिया हुआ है मैंने इसमें 20 ग्राम के करीब। इसमें डालेंगे ब्रेड, बिल्कुल आधी से भी कम है। और अब मैं इसको पीस कर ले आती हूँ जब तक हमारा ये गर्म होता दूध। तो गाइस ये मैं पीस कर ले आई हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पीस गया है। अब हम दूध को गर्म करेंगे। पहले दूध में हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे, इसमें डाल देंगे, बस उबलने ही वाला है। ये कच्चा दूध नहीं है, उबला हुआ है पहले से, इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ इसमें ये। तो ये मैंने सब डाल दिया इसमें, बस इसको उबलने देते हैं बिना ढके, वरना ये गिर जाएगा। कुल्फी को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं साफ की जगह। अब गैस को हम बंद कर देंगे। कुल्फी का मोल्ड भी है, अगर आप चाहें तो इसमें भी जमा सकते हैं, बस हमें कवर करके रखना होता है। चाहे टिफिन में जमा लो आप कट्ठा का कट्ठा पूरा एक ही बार में, और उसके काट काट के आप उसको ले सकते हैं, तो या फिर इसमें भी जमा सकते हैं गाइस, आपकी मर्जी है। तो आज मैं आपको देखिए इसमें टिफिन में बनाना सिखा देती हूँ। देखिए गाइस इसमें डाल दिया मैंने। जैसे हम बर्तन में जमाएंगे तो इस तरह से ढक देंगे, या किसी फॉइल पेपर से ढक देंगे, या फिर पन्नी से ढक देंगे। अब मैं इसको फ्रिज में जमा के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको 5 घंटे बाद इसको दिखाती हूँ। तो गाइज कुल्फी हमारी बन गई है। ये देखिए मैं निकाल के ले आई हूँ कुल्फी को, अभी हम सर्व करते हैं इसको। 5-6 घंटे मैंने जमाया था और 2-3 मिनट हो गए बाहर रखे हुए। तो इस तरह से करेंगे, ये आसानी से फिर निकल जाती है, या फिर आप इसको पानी में भी डुबो सकते हैं। थोड़ा सा मैं पानी में भी डुबो के ले आई हूँ आसानी से। थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, ये देखिए फटाफट से निकल गई है। इसको इसके पीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी तो है भी नहीं। और इसको मैं चांदी के वर्क से सजाऊंगी गाइस, ये बहुत ज़्यादा दिखने में भी अच्छी लगेगी। देखिए गाइस कभी पहले लगाया नहीं मैंने चांदी का वर्क, मैं पहली बार लगा रही हूँ। ये देखिए गाइस वाव, चांदी के वर्क से सजी हुई हमारी आइसक्रीम देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने पिस्ते से सजानी थी पर पिस्ता मुझे मिला नहीं, तो मैंने चांदी के वर्क से इसको सजा दिया है। और ये कुल्फी है, मैं इसको बार बार आइसक्रीम बोल रही हूँ। और हम इसको देखिए किस तरह से कट करके खाएंगे, सॉफ्ट कितनी है, मैं चाकू से काट के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए गाइस इसमें आप फालूदा डालकर भी खा सकते हैं और इसको सिंपल भी खा सकते हैं। अभी मैं खाकर बताऊंगी। देखिए गाइस बहुत अच्छी आइसक्रीम है गाइस, आइसक्रीम काफी अच्छी है, आप इसको घर पर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस।